पुलिस मुठभेड़ के बाद बिहार झारखंड का गैंगस्टर अखिलेश सिंह को उसकी पत्नी गरिमा सिंह के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अखिलेश सिंह के ऊपर झारखंड में 4 दर्जन से ज्यादा हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। गुड़गांव पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में अखिलेश सिंह घायल हो गया, उसके पैर में गोली लगी है, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अखिलेश सिंह बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार अब जमशेदपुर में रहता है। 4 दर्जन से ज्यादा मामलों में वांछित व सजायाफ्ता गैंगस्टर अखिलेश सिंह को बुधवार को गुड़गांव से पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अखिलेश सिंह के ऊपर 4 दर्जन से ज्यादा हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज हैं। पुलिस में जयचंद का लाभ लेकर अखिलेश ने झारखंड और बिहार में अपहरण, हत्या और रंगदारी का अपना कारोबार बढ़ाया। अखिलेश सिंह ने हत्या, अपहरण और रंगदारी के कारोबारी की शुरुआत जमशेदपुर से ही की थी। पिता के पुलिस अफसर होने के कारण काफी कम समय में ही अखिलेश का जमशेदपुर में हत्या, अपहरण और रंगदारी का कारोबार चरम पर पहुंच गया। अखिलेश के कारोबार में जिस किसी ने विरोध किया उसकी उसने हत्या कर दी। अखिलेश सिंह के कारोबार में जिस किसी ने भी उसे रोड़ा अटकाया, अखिलेश ने उसका ठिकाना लगा दिया। पुलिस अधिकारी, जज, जेलर, व्यवसायी, उसने किसी को नहीं बख्शा। जिसने आवाज उठाई उस पर गोली चली या हत्या हुई। अखिलेश पर कुल 52 केस दर्ज हैं, इनमें से कोर्ट में 36 मामले चल रहे हैं। इसके साथ ही 2 केसों में अखिलेश को उम्रकैद की सजा भी सुनाई गई है। कई मामले में वह बरी हो गया है। इसके बाद ही उसकी 2 हत्या में नाम सामने आए हैं। कोर्ट परिसर स्थित बार भवन में झामुमो नेता उपेंद्र सिंह की हत्या हो गई है। फिलहाल अभी पुलिस छानबीन में जुटी है और कितने मामले दर्ज होने हैं और क्या सुनवाई होनी है, ये बहुत जल्द ही कोर्ट इसका फैसला लेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।